ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो कि चुड़ैलों के खानदान में पली बढ़ी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि ना तो वो इंसान रही और ना ही रोबोट। हमें दिखाया जाता है कि रात हो गई है, एक महल के बाहर एक बच्चा और उसके पिता बैठे हुए हैं, और ये बच्चा बताता है कि जब वो छोटा था तब ये पूरी दुनिया जादू से भरी हुई थी, और बताता है कि उसके पिता एक स्प्रिट हंटर थे। वो बुरी आत्माओं से इंसानियत की रक्षा किया करते थे। छोटा बच्चा लियांग अपने पिता से पूछता है कि वो कब आएगी। उसके पिता कहते हैं जल्द ही, और बताते हैं कि एक चुड़ैल उस आदमी की पुकार को अनसुना नहीं करती जिसको उसने सम्मोहित किया हो, यानी कि अपने वश में किया हो। लियांग को कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो झुककर जांचता है कि ये किस चीज की आवाज है। तभी वहां पर वो चुड़ैल आती है। उसके पिता उसको पीछे खींचते हुए बोलते हैं कि उसकी आंखों में मत देखना, वो सम्मोहित कर देगी। वो उस तरफ आगे बढ़ने लगती है जहां पर उसने एक व्यापारी को सम्मोहित किया हुआ है। लियांग के पिता आगे बढ़ते हैं उस पर हमला करने के लिए, लेकिन वो चूक जाते हैं। वो चुड़ैल छलांग लगाकर वहां से भागने की कोशिश करती है। लियांग के पिता बूढ़े जरूर थे, पर उनकी हड्डियों में अभी भी जवानों वाली ताकत थी। वो भी जंप करते हैं और चुड़ैल के पैर को पकड़ लेते हैं। अब ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। लियांग के पिता अपने आप को संभालते हुए अपनी तलवार की तरफ दौड़ते हैं और अपने बेटे लियांग से बोलते हैं, इस मूत्र को उसके ऊपर फेंक देना रूप बदलने से पहले। अब जैसे ही लियांग उस मूत्र को लेकर आगे बढ़ता है, वो उसकी आंखों में देखता है। चुड़ैल बोलती है कि तुम एक बहुत बहादुर लड़के हो। उसके पिता उससे कहते हैं कि फेंको अभी, लेकिन उससे नहीं होता। उसके पिता तलवार को छोड़कर उसकी तरफ दौड़ते हैं और उस मूत्र को लेकर उस चुड़ैल पर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो तड़पने लगती है और अपने असली रूप में वापस आ जाती है। अब वो वहां से एक जंप लेती है। उसके पिता अपनी तलवार उठाते हैं और कहते हैं कि शिकार अभी पूरा नहीं हुआ है लियांग, और ये दोनों उस चुड़ैल की दिशा में दौड़ने लगते हैं। हम देखते हैं कि चुड़ैल बहुत फास्ट है। वो एक घर से दूसरे घर बहुत आसानी से जंप कर रही है। तभी लियांग के पिता उसके सामने आ जाते हैं और उस पर तलवार से वार करते हैं। चुड़ैल का अब खात्मा हो गया है, और अब जैसे ही ये आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं कि चुड़ैल का एक हाथ कट चुका है। इससे हमें पता चलता है कि चुड़ैल अभी जिंदा है, और वो सामने उन घरों की तरफ गई है। दोनों आगे बढ़ते हैं। लियांग के पिता उससे कहते हैं कि पीछे की तरफ से जाओ, और जब वो आगे बढ़ रहा होता है तभी उसको कुछ पत्थरों के लुढ़कने की आवाजें आती हैं। वो जाकर देखता है कि वहां है क्या। तभी वहां से एक लोमड़ी का बच्चा निकलकर दौड़ता है। वो जंप करके उसे पकड़ लेता है। तभी वो अपने असली रूप में आ जाती है, जो कि एक चुड़ैल की बच्ची है। वो उस पर गुर्राती है, जिससे वो डरकर पीछे हट जाता है। वो लियांग से पूछती है कि तुम हमारा शिकार क्यों कर रहे हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लियांग बोलता है कि तुम्हारी माँ ने व्यापारी के बेटे को सम्मोहित किया है। चुड़ैल की बच्ची बताती है कि वो खुद मेरी माँ के पीछे पड़ा हुआ है। लियांग कहता है कि ये सच नहीं है। वो कहती है कि अगर किसी का दिल एक बार हुली जिंग पर आ गया तो वो उसको कहीं से भी सुन सकती है। इस कहानी में चुड़ैल को हुली जिंग कहा गया है, और उसकी खुजली मिटाने के लिए उसे हर रात खुजाने के लिए जाना पड़ता है ताकि वो शांत रहे। आप समझ गए होंगे कि हम किस खुजली की बात कर रहे हैं। लियांग कहता है कि नहीं, वो काले जादू से शरीफ लोगों को बहला फुसलाकर उनका शिकार करती है। वो कहती है कि एक आदमी किसी हुलीजिंग से ऐसे ही प्यार कर सकता है जैसे कि वो किसी औरत से। लियांग कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। वो कहती है कि अच्छा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तो बताओ तुम मुझको किस तरह से देख रहे थे। तभी इसकी माँ वहाँ आ जाती है, और वो कहती है कि येन, उस मनुष्य से बात मत करो, ये खतरनाक होते हैं। और हमें यहाँ पता चलता है कि इस बच्ची का नाम येन है। तभी लियांग के पिता पीछे से हमला करते हैं और उसकी गर्दन काट देते हैं। येन ये सब देखकर डर जाती है और वापस जाकर पत्थरों में छिप जाती है। लियांग के पिता उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई पिल्ले नजर आए। लियांग कहता है नहीं पिताजी, मुझे कोई पिल्ले नजर नहीं आए। लियांग के पिता उसके सर को उठाते हुए कहते हैं,
चलो इसके सर पर जो इनाम है उसे ले लेते हैं। येन वहीं पर छुपी हुई ये सब देख रही थी। अब हम समय में कुछ आगे बढ़ते हैं। लियांग के पिता को अब मरे हुए 5 साल हो चुके हैं। लियांग ने अपने पिता को अपनी माँ के कब्र के पास ही दफनाया है। लियांग बताता है कि पिताजी की मृत्यु बिल्कुल सही समय पर हुई, जैसे कि गांव में पहली ट्रेन आने से पहले। कहता है कि दुनिया अब धीरे धीरे बदल रही है और वो शायद इसे समझ नहीं पाते। ऐसी कई सारी चीजें थी जो वो कभी समझ नहीं पाते, और कहता है कि जो हुआ उसके लिए येन ने मुझे कभी दोषी नहीं ठहराया। अब वो येन से मिलता है। येन चुड़ैल की वही बच्ची है जिसको लियांग ने बचा लिया था, और वो येन के लिए खाना लेकर आया है। लियांग पूछता है कि शिकार कैसा रहा। येन बताती है कि पिछले साल से भी बुरा, और बताती है कि मेरे लिए अपने असली रूप में लौटना अब मुश्किल होता जा रहा है। कहती है कि कुछ रातों को तो मैं बदल ही नहीं पाती हूँ। लियांग पूछता है कि इसकी वजह क्या है। वो बताती है कि पक्की सड़कें, मशीनों से निकलता हुआ धुआं, पेड़ों की कटाई, इन सब से जादू गायब होता जा रहा है और जादुई प्राणी दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे हैं। लियांग कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। इसके बाद ये दोनों एक पहाड़ पर जाते हैं। लियांग कहता है कि मैं गाँव छोड़कर जा रहा हूँ। येन पूछती है कि पर तुम जाओगे कहाँ। लियांग कहता है कि ये तो मैं भी नहीं जानता, पर बस मैं तुम्हें बताना चाहता था, और पूछता है कि तुम क्या करोगी। वो बताती है कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं जिंदा रहूं। अब लियांग हांगकांग आ गया और उसे विक्टोरिया पीक ट्रेन में नौकरी मिल गई। और अब देखते ही देखते लियांग को यहाँ पर 5 साल गुजर चुके हैं, और इन 5 सालों में वो ट्रेन के पुर्जों को इस तरह से समझ गया था जैसे कि उसकी पेचीदा दिल की धड़कन। अब एक रात वो काम करके अपने घर की तरफ लौट रहा था, तभी वो देखता है कि कुछ लोग मिलकर एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। ये प्यासे थे और अपनी प्यास बुझाना चाहते थे। लियांग उस लड़की को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, और वो देखता है कि ये येन है, वही चुड़ैल की लड़की जो कि इसकी अच्छी दोस्त है। वो उन्हें वार्न करके उसे वहां से बचा लाता है। येन बताती है कि मैं इस इंसानी रूप में कैद हो गई हूँ, ना नुकीले पंजे, ना नुकीले दांत, मेरे पास सिर्फ ये शारीरिक खूबसूरती ही बची है। अब मैं सिर्फ वो ही काम करती हूँ जिसका इल्जाम तुमने मेरी माँ पर लगाया था। मैं लोगों की प्यास बुझाती हूँ पैसों के लिए। पूछती है कि तुम। लियांग बताता है कि मैं भी अंग्रेजों के लिए काम करता हूँ, मैं उनकी बनाई हुई ट्रेनों का रखरखाव करता हूँ। येन बताती है कि मेरा तो सपना है कि मैं इस लोहे और तांबे के बने जंगल में शिकार करूँ। मेरी जबराट इच्छा है कि मैं इस लोहे के जंगल में कूदते फांदते इस टापू के शिखर तक पहुँच जाऊँ और उन सभी मर्दों पर दहाड़ू जो मुझे आज तक अपनी जायदाद समझते आए हैं। अगले दिन हम लियांग को देखते हैं। वो बताता है कि जैसा कि मैंने येन को कहा, मैं इन मशीनों में एक्सपर्ट हूँ। शहर में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, और जैसे ही वो बदलती, येन भी उनके साथ बदलाव में शामिल हो जाता, और उसने ये एहसास किया कि उसे ट्रेन से ज्यादा ऑटोमेटा में दिलचस्पी होने लगी थी। वो एक मशीनी रैबिट बनाता है जो उसे जादुई एहसास दिलाता है। अब एक रात जब वो सो रहा था, तब उसे अपने घर में किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो अपनी तलवार निकालकर उस तरफ आगे बढ़ता है और देखता है कि वो येन है, और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि उसे मदद चाहिए। वो उसे एक कमरे में बैठा देता है और उसे कुछ पीने का देता है। वो उसे अपनी टांगे दिखाती है, और हमें पता चलता है कि उसका पूरा शरीर लोहे का बना है सिर्फ उसकी बिल्ली को छोड़कर, और बताती है कि गवर्नर कई महीनों से उसका क्लाइंट था जो बहुत अच्छे से पैसाता था। वो उसे पैसे देता था पर कभी भी उसके साथ अपनी प्यास नहीं बुझाता था, और एक दिन उसने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया। जब उसको होश आया तो वो एक स्ट्रेचर पर बंधी हुई थी, जहां पर हम देखते हैं कि गवर्नर ने उसके पैरों को काट दिया है। बताती है कि वो सिर्फ मशीनों से उत्तेजित होता था, वाइग्रा की गोली उसके शरीर पर कोई असर नहीं करती थी, और वो अपनी जिस्मानी प्यास को मिटाने के लिए एक अद्भुत मशीन चाहता था। बताती है कि एक रात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने उससे मना कर दिया। वो गुस्से से भड़क उठा और मुझे मारने लगा। कहती है कि उसने मेरे साथ जो किया
वो भयानक था, लेकिन मैंने जो उसके साथ किया वो उससे भी ज्यादा भयानक था। मैंने उसे तड़पा कर मार दिया। लियांग उसको संतावना देते हुए कहता है कि हम दोनों मिलकर सब कुछ पहले जैसा कर देंगे। येन कहती है कि इसके लिए बहुत देर हो चुकी है लियांग, मैं सिर्फ शिकार करना चाहती हूँ उन मर्दों का जो हमें सिर्फ अपनी जागीर समझते आए हैं। अब लियांग मशीनों का इस्तेमाल करके एक ऐसा जादू करना चाहता था जो उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हो। वो येन के शरीर पर काम करने लग जाता है। वो दिन रात मेहनत करता है। कुछ समय में वो उसे पूरी तरह से तैयार कर देता है और हम देखते हैं कि उसने एक ऐसी अद्भुत मशीन बनाई है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अब येन शिकार करने में पूरी तरह से सक्षम है और वो वहां से शिकार करने के लिए चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अंधेरे में एक लड़की गिरती पड़ती भाग रही है। उसका पीछा कर रहे थे कुछ दरिंदे, प्यासे लोग जिनकी प्यास सिर्फ वो ही मिटा सकती थी। इससे पहले कि वो अपनी प्यास मिटाते, येन वहां पर आ जाती है और उन पर हमला कर देती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।